हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं बाबा हरिहरनाथ मंदिर, जो कि प्राचीन काल से बहुत ही पुराना मंदिर है। यह बिहार के सोनपुर अनुमंडल में पड़ता है। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, और आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग अभी 3 जने हैं, तो चलिए आप लोगों को अब मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पर सोनपुर में। और हम लोग अभी आ चुके हैं स्टेशन पर हैं, जो ये स्टेशन का नाम है सीतलपुर स्टेशन। और यहाँ से अभी 10:30 में हम लोगों का ट्रेन है सुबह में, तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। आधा घंटा में ट्रेन आने वाली है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं सोनपुर जंक्शन पे, जिसका हम लोगों ने ब्लॉग पहले ही बना रखा है। सो अभी हम लोग अब जा रहे हैं हरिहरनाथ क्षेत्र में, जहाँ पे वो मंदिर है बाबा हरिहरनाथ मंदिर। हम लोग अब निकलने वाले हैं यहाँ से, तो चलिए आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी बाबा हरिहरनाथ के मंदिर तर, और यहीं से वो मेन द्वार है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में। सो चलिए अभी आप लोग हम चलते हैं मंदिर के अंदर, एंट्री करते हैं। और काफ़ी गर्मी भी लग रहा है, और पीछे में अभी हम लोग हैं, गोलू गोलू है। तो चलिए आप लोगों को अब हम दिखाते हैं, देख पा रहे होंगे यही एंट्री वाला द्वार है बाबा हरिहरनाथ मंदिर का। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे एंट्री करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अब मंदिर के अंदर में आ चुके हैं। यही है मेन मंदिर, आप लोग देख पा रहे होंगे। और हमारे साथ अभी गोलू है, यहाँ पे चश्मा लगाए हुए। सो चलिए अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आप लोग यहाँ पे पीछे में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छोटा छोटा भगवान का मूर्ति है। आप लोगों को दिखाते हैं अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भगवान। भगवान का मूर्ति है पीछे में, और आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे भगवान के यहाँ पे छोटे छोटे मूर्तियाँ। और जो मेन मंदिर है वो अभी बंद हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने इसका दर्शन कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यही है वो मेन मंदिर का द्वार, आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग मेन मंदिर देख पा रहे होंगे हमारे पीछे में, जस्ट यही वो मेन मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गोलू पूजा कर रहा है। यहाँ पे आप लोग पीछे में देख सकते हैं शंकर भगवान का मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, और नवग्रह का ये मंदिर है, नवग्रह का आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से। आप लोग देख पा रहे होंगे यही है वो नवग्रह का मंदिर, छोटा छोटा भगवान का है। और यहाँ पे सुविधा, अगर साफ़ सफाई बात करें तो साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप लोग पीछे में देख सकते हैं, यहाँ पे मुंडन वगैरह हो रहा है, और इधर में शादी वगैरह भी होता है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, अभी यहाँ पे एक दो मुंडन वगैरह हो रहा है, कथा उथा हो रहा है, और जिसके मनते रहते हैं वो अपने आके यहाँ पर पूरा करते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ग्राउंड है बहुत। तो देख पा रहे होंगे पीछे में यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है। और इधर पीछे में भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, जो कि पूरे शीशा में पैक है। और इधर छोटा सा एक शिवलिंग है, आप लोग देख सकते हैं। और यह जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और आप लोगों को अभी यहाँ का हवन कुंड दिखाते हैं आप लोगों को। जस्ट हमारे पीछे में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे अग्नि जल रही है। कोई आदमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी अग्नि जल रही है। यही हवन कुंड है यहाँ का।
हम आदित्य से कुछ रहस्य हरिहरनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, ये कुछ जानते हैं, बाबा से पूछे तो इनको बताए हैं, तो ये अब हम लोगों के सामने प्रकट करेंगे अपना बात। चलिए बोलिए। एक बहुत ही पुरानी घटना था, जब एक हाथी था जिसका नाम गजराज था, और एक पोखरा था, उसमें जब वो हाथी नहाने गया तो एक घड़ियाल जो होता है वो उनका पैर पकड़ लिया। तो वो जो थे वो उसको बचाने के चक्कर में जो भगवान विष्णु थे वो अवतार यहाँ पे लिए और प्रकट हुए। सो उसी के कारण यहाँ पे इस मंदिर का स्थापना हुई। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, मंदिर के जो मेन स्थापना हुआ था इसी के कारण हुआ था, जो गज और जो ग्रह था उसी के युद्ध के कारण यहाँ पे जो भगवान आए हुए थे और उनको बचाएं, तो इसी के उपलक्ष्य में यह मंदिर का निर्माण हुआ। और यह मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, आप लोग सोच सकते हैं उस समय जब भगवान अवतार लिया तो ये कितना पुराना मंदिर हो सकता है। तो यही था इस मंदिर का एक छोटा सा समरी। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं आपको, हम गज और ग्रह भी दिखाते हैं यहाँ का। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि गज ग्रह के बारे में, तो यही आप लोग देख सकते हैं पीछे में, यही गज ग्रह है आप लोग।